नहीं है, लेकिन विकास का मंत्र और कर्नाटक के डेवलपमेंट का मंत्र और कर्नाटक के लोगों की बेहतरी हो इसका मंत्र, और कर्नाटक विकास करता है तो भारत की अर्थव्यवस्था ठीक होती है, इस बात का भी मंत्र हम लेकर के चले। और हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जब कर्नाटक में आते हैं तो कर्नाटक में वो कर्नाटक की परंपराओं की, कर्नाटक की संस्कृति की, कर्नाटक के रीति रिवाज की, कर्नाटक के कवियों की, कर्नाटक के लेखकों की और कर्नाटक के लिटरेरी फिगर्स को हमेशा याद। साथी बोलते थे कि भारत के गांव में इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, यही हमारे कांग्रेसी भाई बोलते थे कि यहां डिजिटल इंडिया कैसे होगा, यहां आधार को कैसे जोड़ा जाएगा, यहां आधार को कैसे साधारण आदमी लाभ ले सकेगा। आज आपको जानकर के खुशी होगी कि डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 लाख करोड़ रुपए आपके बैंक के खाते में पहुंचा दिए हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है, ये विकास की एक नई कहानी। 2014 में इन इंडिया, आज इंडिया में एप्पल का मोबाइल बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये भी हमको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हम 1 लाख करोड़ हम बेचते थे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आज हम 6 लाख करोड़ का सामान बेच रहे हैं, और जहां हम एक्सपोर्ट 0 करते थे आज हम 70,000 करोड़ का एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में कर रहे हैं। उसी तरीके से स्टील में भारत 4th नंबर से 2nd नंबर पर आ गया है, और आपको जानकर के खुशी होगी, आप लोगों ने सुना होगा ऑटोमोबाइल, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसके बारे में अभी येडियुरप्पा जी ने बताया, मनी पावर, मसल पावर, लीडरलेस पार्टी, डिवाइडिंग द सोसाइटी, क्रिएटिंग एनिमोसिटी अमंग द पीपल, समाज में अराजकता का वातावरण बनाने का इनका इतिहास, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो एक मूल मंत्र को लेकर के चली है, सबका साथ सबका विकास।